हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हम बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के ओपन बुक सिस्टम से जो एग्जाम्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, उन एग्जाम्स के लिए जो आंसर शीट बनाई जाएगी, आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं, उस फर्स्ट पेज को, फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट को, यानी कि उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ, उसको किस तरह से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में उसको किस तरह से फिल करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। तो दोस्तों, फर्स्ट पेज को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको BUMP ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। ओके, जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, इसके बाद में दोस्तों आपके सामने फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिखाई देता है, जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा, इसमें ही दोस्तों यहाँ पर एक अप्लाई का बटन दिखाई देगा, इस अप्लाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस आने लगेगा। तब तक वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है, और कोई भी डाउट होता है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जो भी दोस्तों आपके डाउट ना इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो रही है, जहां से हमको दोस्तों अपना आंसर शीट का फ्रंट पेज है वो डाउनलोड करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई देंगे साइड में, इन 3 डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है जिसकी आपको तलाश है, यानी कि फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट। तो फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपकी जो आंसर शीट का पेज है वो डाउनलोड होने लगेगा। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमको अपना फर्स्ट पेज डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट, उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ। अब दोस्तों, आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया उस कोर्स का यहाँ से आप प्रथम पृष्ठ डाउनलोड कर सकते हैं। जिन जिन के क्वेश्चन पेपर अपलोड होते जाएंगे, वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पर जो कि फ्रंट पेज भी अपलोड होते जाएंगे। अभी दोस्तों बीए थर्ड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर, बीकॉम होम साइंस, बीएससी, एचएससी, बीबीए, बीसीए, इनके क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं 11 जून को, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आ गए। अभी यहाँ पर MM.com, MSc के क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं किए गए हैं, तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर इनके भी जो फ्रंट पेज है, यानी कि आंसर शीट का फ्रंट पेज है, वो अपलोड नहीं किया गया। अब इसमें से दोस्तों किसी एक हम डाउनलोड कर लेंगे, मान के चले हम बीकॉम थर्ड ईयर का डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, बीकॉम थर्ड ईयर का डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने पूरा फ्रंट पेज आ चुका है। तो आपको कुछ इस तरह से आपको अपना फ्रंट पेज डाउनलोड करना होता है। अब दोस्तों, इसको किस तरह से फिल करना है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, फ्रंट पेज को यहाँ पर फिल करने के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लेना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसका प्रिंटआउट निकाल लीजिए, बीकॉम थर्ड ईयर वाले जो भी स्टूडेंट हैं, और आपकी जितनी कॉपियाँ हैं उतनी आपको प्रिंटआउट निकाल लेनी है, ठीक है? क्योंकि सभी आंसर शीट पर आपको फ्रंट पेज पर ही क्वेश्चन पेपर का जो आंसर शीट है, आंसर शीट का जो फ्रंट पेज है वो यहाँ पर लगाना है प्रथम पृष्ठ, यानी कि जितनी आपकी 8-9 कॉपियाँ हैं आंसर शीट है, सभी 8-9 आपको इसके प्रिंट आउट निकाल लेना है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं करना है, बीकॉम थर्ड ईयर लिखा गया, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पर रोल नंबर अंकों में डालना है, यहाँ पर शब्दों में डालना है, यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो रेगुलर पर चेक मार्क कर देना है, अगर आप जो कि प्राइवेट के हैं तो प्राइवेट पर चेक मार्क करना है, अगर आप ATKT हैं तो ATKT पर चेक मार्क कर देना है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी कक्षा डालनी है, कक्षा में आपको क्या डालना है, बीकॉम थर्ड ईयर ही फिल कर देना है। इसके बाद में दोस्तों विषय डालना है, यानी कि आप जो आंसर शीट सबमिट कर रहे हैं, जो आप आंसर शीट लिख रहे हैं वो किस सब्जेक्ट की आंसर शीट है, वो आंसर शीट में यहाँ पर आपको फिल करना है। अब दोस्तों प्रश्न पत्र कोड क्या डालना है, जो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे आपके बीकॉम का जो या आपके जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे उसके क्वेश्चन पेपर पर एक कोड लिखा गया होगा, उस कोड को यहाँ पर फिल करना है। ओके, इसके बाद में प्रश्न पत्र को छोड़ देना है, इसको प्रश्न पत्र शीर्षक इसको भी आप छोड़ दीजिए, कॉलेज में आपसे भर फिल करा लिया जाएगा कॉलेज में। ओके, इसके बाद दोस्तों उत्तर पुस्तिका जमा करने की तिथि डालनी है। उत्तर पुस्तिका को जमा करने की तिथि में आपको क्या डालना है, आप जिस तारीख को अपनी उत्तर पुस्तिका सबमिट करते हैं उस तारीख को यहाँ पर फिल करना है, और कुल पृष्ठ संख्या कितनी है, आपने जो कॉपियाँ हैं, आपने जो आंसर शीट बनाई उसमें कुल कितने पृष्ठ हैं, वो कुल कितने पृष्ठ आपको डालने हैं, यानी कि 16, 17, 18 जितने भी आपके पृष्ठ हैं वो आपको डालने हैं। और यहाँ पर आपको अपने महाविद्यालय का नाम डालना है, यानी कि आपको अपने कॉलेज का यहाँ पर नाम फिल करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर कर देना है, और सिग्नेचर करने के बाद में दोस्तों इसको आपको छोड़ देना है, ये टीचर्स के लिए, ये टीचर्स वहाँ पर फिल कर लेंगे। ओके, तो ये टीचर्स के लिए इसको आपको कुछ नहीं करना है। तो बस यहीं थी, ये पूरा प्रिंट आउट इसको निकाल लीजिए और छोटा सा इसको फिल करना है। तो फिल करने का मैंने आपको प्रोसेस आपको बताई दिया है। तो बस फ्रंट पेज कुछ इस तरह का था,
जो मैंने आपको फुल जानकारी दे दी। अगर आपको अभी कोई भी डाउट होता है फ्रंट पेज के संबंधित तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट हैं इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को यहीं पर करते हैं, हम मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।